नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी गाय जस्ट बच्चा देने वाली है, कुछ ही चंद मिनटों में बच्चा देने वाली है, तो आपको क्या सावधानी रखनी है और लक्षण कौन कौन से आपको नजर आएंगे ताकि आप आसानी से पता लगा सके। तो देखिएगा, अभी बच्चा देने वाली है, आप देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पे काफी पेयर्स लाए इस गाय ने, थोड़ा पेन भी होता है और ये देखिए आप गोबर है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिरेगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गोबर गाय ने किया है और पैर देखिए बार बार पैर चलाएगा, नहीं उठेगी बैठेगी, इस प्रकार की हरकतें आपको नजर आएगी। और देखिए ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे गोबर की है, ये देखिए थोड़ा सा वहाँ पे भी थोड़ा सा गोबर की है और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मूत्र भी गाय ने किया है। तो इस प्रकार से गाय जब चंद मिनटों में बच्चा देने वाली है तो उठेगी बैठेगी, पैर पटकेगी बार बार, थोड़ा थोड़ा गोबर करेगी, थोड़ा पेन भी होगा, गाय थोड़ी स्ट्रेस में भी नजर आएगी। जैसा कि इस गाय के मुंह की तरफ आप देखेंगे, देखिए आपको स्ट्रेस नजर आ रहा होगा, ये देखिए कोई खास मूवमेंट गाय में नहीं है, देखिए आराम से लेट चुकी है। तो अभी ये गाय जस्ट बच्चा देने वाली है, तो देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि किस प्रकार गाय बच्चा देती है। शरीर का जो मुंह देखिए आप, थोड़ा सा आपको खुला हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखिए अभी इसके अंदर थैली आपको नजर आएगी चंद मिनटों के अंदर, और फिर आपको बच्चा भी शायद दिखाई दे देगा। ये देखिए दो थैलियाँ आती है इसके अंदर, एक मेले की आती है, एक में बच्चा रहता है। तो देखिए कई बार कोई सी पहले आ जाती है, कई बार कोई सी पहले आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। आप देखिए इस समय जब गाय बच्चा दे तो आप ज्यादा स्ट्रेस में आप न हो, क्योंकि देखिए इस समय आराम की जरूरत होती है गाय को, सकते ज्यादा भीड़ भाड़ गाय के पास न रखें। अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा पंखे की व्यवस्था या थोड़ा हवादार स्थान पर आप अपनी गाय को बांध दें, थोड़ा अलग रखें। लेकिन ये गाय ज़्यादा बोलती है, अगर हम अलग रखते हैं तो ये गाय बैठती नहीं है, यह हमने देखा है पिछले ब्यांत में भी, इसलिए हमने इन गायों को लगभग पास में इसको बांधे रखे हुए हैं। अभी आप देखिए गाय जोर करिए पूरा, और देखिए आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, गाय आराम से बच्चा दे देगी, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है। ये जो थैली जिसमें बच्चा है ये भी बाहर निकल रही है, और ये वो जो मेले वाली थैली है देखिए आप ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये भी बाहर आने की कोशिश करिए। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन सी थैली है वो बाहर आती है। दोनों थैली एक साथ बाहर निकल आई है, ये देखिए एक में जिसमें मेला रहता है वो भी बाहर निकल रही है, और जिसमें बच्चा रहता है वो भी बाहर आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर। तो साथियों इस तरह से देखिए आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं करनी है, और थैली का आपको इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, और कुछ जोर अगर गाय करेगी ना तो फिर बाद में जेर गिराने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि अगर हम पहले से ही गाय को बच्चा बाहर निकलवा देंगे तो फिर जेर दिक्कत होगी, जेर भी हमें गिरवानी पड़ेगी। तो कुछ जोर अगर गाय खुद करेगी ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साथियों गाय फिलहाल है वो खड़ी हो चुकी है, देखिए अब हमें थोड़ा सा इसका बैठने का इंतज़ार और करना पड़ेगा। गाय वापस से बैठ गई है, पहले यहाँ पर बैठी थी, अभी इसने अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करी है और अब यहाँ बैठ गई है, ये देखिए। अभी हमें थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये थैली ना फूट चुकी है अंदर, तो बच्चे के पानी है ना वो नाक में आ सकता है। गाय बैठ नहीं रही थी तो हमने देखिए हाथ साफ करके आराम से सर्फ से इसको देखिए थोड़ा सा नाक में पानी नहीं भर जाए, इसलिए इसका नाक साफ करना बहुत जरूरी है बच्चे का। गाय बैठ नहीं रही है, इस प्रकार से खड़ी है काफी देर से, तो हमने थोड़ी सी हेल्प की ताकि गाय आराम से बच्चा दे दे। तो हमें इसको नीचे की तरफ खींचते रहना है, यानी थनों की तरफ घुमाओ हमें इस प्रकार नीचे रखना है, और ज्यादा जोर हमें नहीं लगाना है, आराम से। देखिए गाय भी बैठ जाएगी शायद अब, थनों की तरफ हमें इस प्रकार खींच लेना है। देखिए गाय खड़ी हो चुकी है, अब हम इसको गाय के आगे रख देते हैं ताकि गाय इसे चाट सके आराम से, क्योंकि चाटना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार हम गाय को आराम से वो
गाय बच्चा दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं होती, हमें थोड़ा वेट करना जरूरी है, धैर्य रखना भी जरूरी है। और अगर हम अच्छे से देखभाल करें शुरू से ही, जब गाय प्रेग्नेंट हो उस दिन से ही, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जय हिंद।